हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। अब हम लोग आ चुके हैं चारबाग रेलवे स्टेशन। तो अभी हम पहुंचे हैं और यहां पर लखनऊ छपरा एक्सप्रेस से अयोध्या के लिए अभी निकलने वाले हैं। ठीक 9 बजे हमारी ट्रेन यहां से निकलेगी। तो आइए चलते हैं और स्टेशन पे देखते हैं ट्रेन हमारी खड़ी है या नहीं। और हम लोग आ चुके हैं, अब ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं। अभी 8:55 हुआ है, ठीक 9 बजे ये ट्रेन यहाँ से छूटेगी अयोध्या के लिए। तो आप लोग बने रहिए और चलते हैं अयोध्या श्री राम भगवान के दर्शन करने के लिए। अभी आपको वहाँ पे भी दर्शन कराएंगे। तो ये मेरी ट्रेन देख रहे हैं आप, ये लखनऊ छपरा एक्सप्रेस है और रिजर्वेशन में ₹145 किराया है और अगर जनरल टिकट से आप जाते हैं तो ₹60 किराया है, 60। और थर्ड एसी या फोर्थ थर्ड एसी वगैरह लेते हैं तो महंगा है। तो हमने तो अभी रिजर्वेशन करा रखा है, तो अपने रिजर्वेशन से जा रहे हैं और ये ठीक 1 बजे हमको पहुंचा देगी। तो 1 बजे वहां पहुंचने के बाद में फिर देखते हैं क्या करना है। और ये बच्चे लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं हमारे साथ के सभी लोग। और ये अभी हम लोग यहाँ पे 3 घंटे तो आराम करेंगे इसी में और 1 बजे जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ ये पहुँच चुके हैं 11 बजे, अभी सालासर में पहुँचे हुए हैं। तो अभी लगभग 1 घंटा और लगेगा या 2 घंटा हो सकता है लग जाए, क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी धीमी चल रही है। और ये अब पहुंच चुके हैं अयोध्या कैंट। ये जो आप देख रहे हैं ये अयोध्या कैंट है और ठीक 1 किलोमीटर बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे अब उतर चुके हैं और अब चलते हैं सीधा बाहर की तरफ और देखते हैं राम मंदिर यहाँ से लगभग कितनी दूरी पे है। और ज़्यादा दूरी तो वो है नहीं, वैसे 1 किलोमीटर है। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, एग्जिट श्री राम जन्मभूमि मंदिर मुख्य मार्ग 1 किलोमीटर। तो ये जो रास्ता आप बाहर की तरफ निकलेंगे, स्टेशन से बाहर निकलेंगे, ये रास्ता सीधा आपको मंदिर परिसर तक पहुंचा देगी। 1 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर, तो कहीं भूलने की रास्ता नहीं है। अगर आप ऑटो पकड़ते हैं तो ₹10 ऑटो वाला लेता है और नहीं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो बाहर निकलने पे हमने दाहिने हाथ पे देखा कि ये यात्री आश्रय बना हुआ है जो हमारी यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या तैयारियां हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, तो उद्घाटन मंदिर हुए 2 महीने हो गए हैं, तो हो सकता है इसमें बेड वेड भी पड़े हों पहले। इस समय तो यहाँ पर बेड नहीं है, पूरे में धूल ही धूल पड़ी हुई है। कुछ यात्री लोग यहाँ लेटे हुए भी हैं और टॉयलेट बाथरूम की भी सुविधा जो है वो सामने दिख रही है। महिला टॉयलेट और पुरुष टॉयलेट दोनों बने हुए हैं, नहाने की भी व्यवस्था है और पानी पीने की भी व्यवस्था है। आप यहाँ पे निशुल्क में रह सकते हैं, कोई किराया नहीं है, कोई पैसा नहीं है। लेटरिन बाथरूम जो भी सुविधाएँ हैं यहाँ पर सब पूर्णतः फ्री हैं। बस केवल यहाँ पे हमें लगता है कि झाड़ू नहीं लगती है क्या, तो धूल ज़्यादा है। तो यहाँ तो रुकने वाला नहीं है और अब हम सीधा चलेंगे सरयू घाट की तरफ और वहीं सरयू में स्नान करेंगे। तो ये हमारा आ गया है सरयू के घाट पे, हम लोग पहुँच चुके हैं। जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से सरयू घाट का ₹20 लिया है। हो सकता है रात की वजह से उसने किराया हमसे ज़्यादा लिया हो, वरना दिन में ये ₹10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर सरयू घाट है। तो अब यहाँ पे अभी 2 बजा है और हम लोग अभी स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद में फिर मंदिर जाएंगे, देखेंगे कि मंदिर। वैसे हमने ऑटो वाले भैया से पूछा है तो बोले हैं कि 4 बजे से लाइन लगनी चालू हो जाती है। तो अभी 2 बजा है, नहाएंगे हम लोग, तो 1 घंटा तो हम लोगों को यहाँ पे नहाने में लग जाएगा। उसके बाद हम लोग ये जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये गेट है सरयू में नहाने के लिए, और ये जो उधर सामने बोर्ड लगा है
ये सीधा गया है राम मंदिर हनुमानगढ़ी के लिए रास्ता, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर है। पैदल भी आप जा सकते हैं और नहीं तो ऑटो पकड़ के भी जा सकते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं सरयू मैया में स्नान करने के लिए। ये हमारा राम घाट कहलाता है। तो राम घाट में इस समय 2 बज रहा है तो कोई भी स्नान करता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत से लोग यहाँ भी लेटे हुए हैं सरयू मैया किनारे, और लेटने के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। ठंडी हवा भी चल रही है, नदी का किनारा है तो आराम से पन्नी बिछा के अपना लेट सकते हैं। ऐसा चोरी का डर नहीं है कुछ भी, तो लेटने की तो कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं और हमारे कुछ साथी लोग अभी नहा रहे हैं, तो ये लोग भी नहा लें, फिर उसके बाद हम लोग सीधा मंदिर के लिए निकलेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कि मंदिर कितने बजे खुलता है। तो अभी सब लोग तैयार हो जाएं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और जो मेन नदी है, मेन नदी जो है अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पे है सामने की तरफ, तो ये नहाने के लिए बनाया गया है मेन रूप से। ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, घुटने तक पानी है, तो इसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग आराम से नहा सकते हैं और डूबने का कोई ख़तरा नहीं है इसमें। तो ये सरकार द्वारा ना केवल नहाने के लिए बनाया गया है एक नहर टाइप की, और इसमें भी ये भरा हुआ नहीं है। ताज़ा जल जो है सरयू का मेन नदी से इधर की तरफ आता है और इधर से घूम के आगे की तरफ निकल जाता है, तो नहाने के लिए बहुत अच्छा है। और अब दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं सीधा मंदिर के लिए। यहाँ से ऑटो ही पकड़ लेंगे क्योंकि अब रात का समय है, ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। तो अब ऑटो से हम लोग पहुँचेंगे हनुमानगढ़ी। तो दोस्तों ऑटो ने हमको यहाँ पे उतार दिया है और ये जो रास्ता गया है सीधा हनुमानगढ़ी के लिए जाता है। आप देख रहे हैं 2 बज रहा है, 2 बजा है और अभी देख रहे हैं सारी जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं हनुमानगढ़ी के मेन गेट पे, और यहाँ भी अभी पूरा सन्नाटा है, यहाँ अभी कोई नहीं है। अब ये थोड़े थोड़े लोग आने स्टार्ट हो गए हैं, 3 बज रहा है। तो अभी जो पुलिस वाले भैया हैं वो हम लोगों को हटा रहे हैं, कह रहे हैं नीचे की तरफ जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ। और मंदिर जो है वो 5:30 बजे ओपन होगा, तो 5:30 बजे के बाद ही एंट्री मिलेगी। तो लगभग दोस्तों हमको यहाँ पे अभी 2 घंटे बैठना पड़ेगा, 2 से 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, अब आए हैं तो अब यहीं पर सीढ़ियों पर बैठ के इंतज़ार करते हैं 2-2.5 घंटे तक, और उसके बाद फिर हम लोग भगवान के दर्शन करेंगे, महावीर के, हनुमान जी महाराज के, और उसके बाद राम जन्मभूमि की तरफ जाएंगे। क्योंकि पहले दर्शन यहीं पे किए जाते हैं हनुमान जी के, और बाद में फिर राम जी के दर्शन के लिए जाया जाता है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। जो वो फूल बेचने वाले भैया थे उन्होंने बताया था, तो हम लोग यहीं पर अभी लग गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जगह जगह पे सरकार द्वारा बनाया गया है डिज़ाइन के लिए, मतलब जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो ये देख रहे हैं दोस्तों अब हनुमान जी महाराज के कपाट खुल चुके हैं और जो प्रसाद है वो चढ़ने लगा है। तो हम लोग भी अभी लाइन में लगे हुए हैं, और जैसे ये प्रसाद चढ़ाते हैं फिर आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी के, हनुमान जी महाराज जी के दर्शन कराते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये देखिए यही है हनुमान जी महाराज, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज। तो प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ पे भीड़ तो है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, और भीड़ तो होती है सुबह। ये सब जितने भी भक्त यहाँ पे हैं ये सब 2 बजे से लाइन में लगे हैं, हमारे साथी 2-2.5 बजे ये सब आ गए थे, तो तब से ही ये सब इंतज़ार में बैठे थे कि कब कपाट खुलें और दर्शन करें। तो दोस्तों ये सब हनुमानगढ़ी का मंदिर है, अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे छोटे छोटे और भी कई सारे हैं, ये देखिए राम दरबार है, भरत दरबार है, और हनुमान जी के भी अभी मंदिर हैं। और इधर ये सामने जो बरामदा है यहाँ पे हवन भी होता है। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन तो हम लोगों ने बड़े आराम से कर लिए, और अब हम लोग पहुँचते हैं ये वहीं से निकलने के बाद में सीधी रास्ता जो है
वो चली जाती है दशरथ महल की तरफ। ये सामने जो देख रहे हैं ये है दशरथ महल, और इसी के बगल से रास्ता राम जन्मभूमि के लिए जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है महाराज दशरथ का महल। इसी ज़माने में महाराज दशरथ इसी महल में रहा करते थे, और राम भगवान लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोग उनके इसी आंगन में खेलते थे। ये है उसके अंदर का दृश्य, दशरथ महल के अंदर का दृश्य। और ये जो बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ये अभी ज़्यादा सुबह होने के कारण अभी ये खुला नहीं है, ये 10 बजे के बाद खुलता है, और हम यहाँ पे 7 बजे ही आ गए हैं, तो अभी ये बंद है, तो इसलिए अंदर क्या है ये तो नहीं पता है। और अब हम लोग चलते हैं कनक भवन के लिए। तो उसी के जस्ट बगल में ही ये कनक भवन है। तो यहाँ भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी गेट बंद है, तो 7 बजे अभी कनक भवन के भी गेट बंद हैं। यहाँ हमने पता किया तो ये जो कनक भवन है 8:30 बजे खुलता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों श्री राम मंदिर हम लोग हो आए हैं, वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, सब कुछ पहले ही जमा हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग आप लोगों को श्री राम जन्मभूमि के जो दर्शन नहीं करा सके, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक सामान ब्लूटूथ या कोई भी ऐसा भी आपका बैग जूता चप्पल पर्स वगैरह कुछ भी अंदर नहीं ले जाने देते हैं, सब कुछ बाहर ही जमा हो जाता है। तो इसलिए वहाँ के तो दर्शन नहीं करा पाया। और आप ये कनक भवन के दर्शन करिए, ये है कनक भवन के अंदर का दृश्य, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है कनक भवन। और यहाँ भगवान राम माता कैकेयी के साथ में विराजमान हैं। ये जो सामने की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा परिवार, भगवान राम का पूरा परिवार जो है वो विराजमान है इस मंदिर में। तो ये भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। तो आप लोग जब भी अयोध्या आएँ तो कनक भवन और दशरथ भवन ये ज़रूर देखें, ये भी बहुत अच्छा देखने के लिए है। ये है हमारे राम भगवान का मेन गेट दोस्तों, ये हम बाहर रोड पे आके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है वो मोबाइल ले जाना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर ले जाना सख्त मना है, और पकड़े जाने पे जुर्माना या जेल दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बगल में आप जो देख रहे हैं वो है हनुमानगढ़ी, और ये लगा है वहाँ पे बोर्ड। तो हम मेन सड़क पे आके आपको वहाँ के दर्शन करा रहे हैं। और अब हमारी रिटर्न की टाइम हो चुका है, तो हम लोग रिटर्न लखनऊ के लिए चलते हैं दोस्तों। और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, और ट्रेन जैसे ही आती है तो हम लोग लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों हमारी ये देख रहे हैं ये मेट्रो आ चुकी है, अब इस मेट्रो से बैठ के हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन उतरे थे, और वहाँ से फिर हम लोग ये मेट्रो पकड़ के आलमबाग अपने घर के लिए रवाना होंगे। तो हमको तो अयोध्या में बहुत अच्छा लगा, और आप लोग समय निकाल कर अयोध्या जी ज़रूर जाइए, भगवान राम के दर्शन करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ये आ गई दोस्तों हमारी ट्रेन, और हम लोग इसमें बैठ चुके हैं, और अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। तो आप लोग समय निकाल के एक बार ज़रूर जाइए। जय श्री राम, जय श्री